नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। सुर्खियों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप रोजगार से जुड़े समाचार से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल GOBPVT को सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की सुर्खियों की ओर। बिहार में कोरोना के मामलों में जारी है गिरावट। आरपार के मूड में बिहार के पुलिसकर्मी। 2 से 3 दिनों में बिहारवासियों को मिलेगी गर्मी से राहत। पटना एयरपोर्ट ने जारी किया समर स्केड्यूल। नौकरी नहीं मिलने पर युवाओं ने कराया सामूहिक मुंडन। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में कोरोना के मामलों में जारी है गिरावट। बिहार में कोरोना के मामलों में गिरावट जारी है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर के 3 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 29 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 1, वेस्ट चंपारण में 2 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 79,574 सैंपल की जांच हुई। वहीं इस दौरान 5 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। आरपार के मूड में बिहार के पुलिसकर्मी। बिहार के पुलिसकर्मी अब अपनी मांगों को लेकर आरपार के मूड में हैं। इसको लेकर ही बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन के महाधिवेशन में रविवार को राज्य भर से जुड़े एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने अपनी समस्याओं के साथ कई मांगों को केंद्रीय कार्यकारिणी के सामने रखा। इसके तहत ही पुरानी पेंशन योजना, इलाके के लिए कैशलेस व्यवस्था को लागू करने समेत कई मांगों पर कार्रवाई के लिए महासंघ को 2 महीने का वक्त दिया गया। इस दौरान बात नहीं बनी तो उसके बाद चरणवार आंदोलन का ऐलान होगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पुलिस मेंस एसोसिएशन द्वारा मनाए जा रहे स्वाभिमान सप्ताह के दौरान रविवार को गया में महासंघ का 1 दिवसीय अधिवेशन बुलाया गया। इसमें केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों के अलावा सभी जिला और इकाई के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। सरकारी नौकरी वालों के लिए चेतावनी। अब बिहार में 3 महीने का नोटिस देकर हटा देगी सरकार। बिहार में काम में कमजोर पड़ रहे सरकारी सेवकों को हटाने की प्रक्रिया अब तेज होने वाली है। इसको लेकर सरकार ने सभी विभागों को कहा है कि ऐसे सरकारी सेवकों की पहचान करने के लिए वो विभागीय समिति का गठन करें और उन कर्मियों को सेवा से हटाने के लिए अपनी अनुशंसा सरकार को दे, ताकि आगे की कार्रवाई हो सके। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार अब मुख्यालय के कार्यालयों के अलावा प्रमंडल और जिला स्तर पर भी ऐसी ही समितियां गठित होंगी। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब ये पहल की गई है, बल्कि सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र के मुताबिक इस तरह का आदेश पहले भी दिया गया था, लेकिन अब तक विभाग को समितियों के गठन की जानकारी नहीं मिल सकी है। भागलपुर एयरपोर्ट के लिए हवाई सेवा के लिए उफान पर आंदोलन। बिहार में विमानों से भागलपुर से हवाई सेवा की शुरुआत करने की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। बीते दिन यानी कि 6ठे दिन भी भागलपुर हवाई जहाज सेवा संघर्ष समिति के तत्वाधान में चल रहा धरना जारी रहा। समिति के सदस्य योगेश कुमार यादव, सुबोध मंडल, संजय जायसवाल, अशोक सिंह आदि सुबह से ही घंटाघर चौक स्थित धरना स्थल पर डटे रहे। कमल जायसवाल, आनंद मिश्रा, इंजीनियर अमन कुमार सिंह, अरविंद कुमार रामा, दिनेश सिंह, राजीव कुशवाहा, भैरव यादव, वकील सिंह, प्रकाश चंद गुप्ता, चंदन आचार्य, डॉक्टर शैलेंद्रनाथ, मुन्ना गांधी आदि ने भागलपुर से हवाई सेवा की शुरुआत करने की मांग को लेकर आम लोगों के बीच हस्ताक्षर अभियान चलाया। 2 से 3 दिनों में बिहारवासियों को मिलेगी गर्मी से राहत। मार्च के महीने में ही गर्मी ने अपना सितम दिखाना शुरू कर दिया है, लेकिन एक अच्छी खबर, बिहार में बढ़ती गर्मी से जूझ रहे लोगों को अब राहत मिलेगी। एक बार फिर से मौसम में बदलाव होने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 1-2 दिनों में मौसम में बदलाव के आसार हैं। इसके साथ ही पूर्वी हवा के प्रवाह के कारण 30 मार्च को राज्य के पूर्वी इलाकों में हल्की बारिश के साथ बूंदाबांदी होगी। 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं की वजह से मौसम थोड़ा ठंडा होगा। मार्च के अंतिम सप्ताह में मौसम काफी सुहाना होने की संभावनाएं हैं। बिहार यूपी चेकपोस्ट पर 3 करोड़ रुपए के साथ बीकानेर के 2 युवक गिरफ्तार। बीते दिन उत्पाद पुलिस ने बिहार यूपी बॉर्डर के बलथरी चेकपोस्ट पर बड़ी कामयाबी हासिल की, जिसके तहत बीते रविवार की दोपहर राजस्थान के बीकानेर के 2 युवकों को 3 करोड़ रुपए के साथ हिरासत में ले लिया गया। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार हिरासत में लिए गए युवकों में कार के ड्राइवर राकेश कुमार और मुकेश कुमार का नाम शामिल है। खबरों के अनुसार दोनों कार के पीछे बनाए गए तहखाने में रुपए के बंडल रखकर लखनऊ से सिलीगुड़ी जा रहे थे। हालांकि उत्पाद पुलिस ने रुपए की गिनती नहीं की, लेकिन दोनों ने 3 करोड़ रुपए तहखाने में रखे हुए थे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि उत्पाद विभाग की सूचना पर शाम को करीब 6 बजे मुजफ्फरपुर से पहुंची आयकर विभाग की 4 सदस्यीय टीम मामले की जांच में जुटी है। पटना एयरपोर्ट ने जारी किया समर स्केड्यूल। विमान से सफर करने वाले यात्रियों के लिए अहम सूचना। जल्द ही पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों की भीड़ बढ़ने के साथ साथ अब विमानों की संख्या भी बढ़ाई जाने लगी है। इसको लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने समर स्केड्यूल भी जारी कर दिया है। इसके अनुसार पटना एयरपोर्ट से विभिन्न शहरों के लिए 55 जोड़े विमानों का परिचालन शुरू किया गया है, जिसके तहत ही अब जयपुर के लिए अब सीधी उड़ान की व्यवस्था भी शुरू हो गई है। साथ ही नए टर्मिनल भवन का भी निर्माण किया जा रहा है, जो मार्च 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा।
नौकरी नहीं मिलने पर युवाओं ने कराया सामूहिक मुंडन। नौकरी नहीं मिलने के कारण बिहार के युवाओं के बीच में काफी खींचतान देखने को मिल रही है। यही कारण भी है कि युवाओं को नौकरी नहीं मिलने के कारण अब युवा वर्ग के बीच में आक्रोश बढ़ गया है। इसी का प्रमाण बीते दिन बिहार में वैशाली जिले में देखने को मिला, जिसके तहत ही बिहार के वैशाली में रोजगार की मांग को लेकर युवाओं ने प्रदर्शन किया। बेरोजगारी के मुद्दे पर युवा जनशक्ति पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं ने सरकार को घेरा है। इसके लिए पार्टी के दर्जनों युवा कार्यकर्ताओं ने मुंडन कराकर सीधे तौर पर बिहार सरकार का कड़ा विरोध किया। सामूहिक मुंडन के इस कार्यक्रम में कई पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं ने भाग लिया। पार्टी का आरोप है कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के घोषणा पत्र में रोजगार की बात कही गई थी, इसे पूरा नहीं करने के बाद पार्टी को बिहार सरकार नींद से जगाने के लिए इस तरह के सामूहिक मुंडन कार्यक्रम को करा रही है। मुकेश सहनी को लेकर नीतीश कुमार ने राज्यपाल को बर्खास्तगी की भेजी सिफारिश। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी का खेल राजनीति में अब खत्म नजर आ रहा है। जानकार मान रहे हैं कि सहनी को भाजपा से दुश्मनी महंगी पड़ी है। यही कारण भी है कि हाल ही में सहनी के तीन विधायकों ने भी सहनी का साथ छोड़ दिया। इसी बीच अब सहनी के बर्खास्तगी की खबरें भी सामने आने लगी है, जिसके तहत सरकारी सूत्रों की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की सिफारिश राज्यपाल को भेज दी है। बीते दिन ही भाजपा ने इसके संकेत दिए थे। वैसे पिछले कई दिनों से भाजपा को उम्मीद थी कि मुकेश सहनी खुद ही इस्तीफा दे देंगे, लेकिन वो खुद मंत्री पद का रुतबा छोड़ने को तैयार नहीं। ऐसे में अब कार्रवाई हुई है। जानकार सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ने भाजपा के कहने पर राज्यपाल को सिफारिश भेजा है। भारत नेपाल द्विपक्षीय रिश्ते में सांस्कृतिक राजदूत की भूमिका निभा सकता है बिहार। बिहार के उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद से बीते दिन बिहार यंग थिंकर्स फोरम एवं संतोष साह फाउंडेशन के तत्वावधान में नेपाल के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस दौरान ही भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने बिहार और नेपाल के बीच बिहार और नेपाल सांस्कृतिक रिश्तों की मजबूती की दिशा में बिहार की तरफ से विशेष पहल करने की आवश्यकता बताई है। साथ ही इस दौरान उपमुख्यमंत्री ने कहा है कि दोनों देश के नागरिकों के बीच आजीविका के साथ साथ विवाह और पारिवारिक संबंधों की रोटी बेटी के रिश्ते की मजबूत नींव है। उन्होंने कहा है कि नेपाल और भारत दुनिया के दो प्रमुख धर्म हिंदू और बौद्ध धर्म के विकास के आसपास एक सांस्कृतिक इतिहास साझा करते हैं। अगले महीने कोसी महासेतु होकर सहरसा से दरभंगा के लिए चलेगी ट्रेनें। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, सहरसा से कोसी महासेतु होकर दरभंगा ट्रेन पर आने का सपना अब जल्द ही साकार हो सकता है, क्योंकि अप्रैल में इस रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन शुरू होने की उम्मीदें जताई जा रही हैं। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार 1 अप्रैल से ललित ग्राम तक ट्रेनों की आवाजाही शुरू होने की उम्मीद है और कहा जा रहा है कि इसी साल के मई जून महीने में फारबिसगंज तक लाइन चालू करने की रेल प्रशासन की योजना है, जिसके पूरा होने के बाद ही असम से दिल्ली के लिए एक नया रूट मिल जाएगा। इसको लेकर समस्तीपुर मंडल के डीआरएम आलोक अग्रवाल ने जानकारी साझा कर दी है। साथ ही बताया है कि सहरसा से दरभंगा तक ट्रेन सेवा शुरू करने के लिए अगले सप्ताह रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भेजा जाएगा। रेलवे बोर्ड से तारीख आते ही इस रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। अगले महीने से ट्रेनों के परिचालन शुरू होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। इतना ही नहीं, इस नए रूट पर पैसों की बचत होने का दावा भी किया जा रहा है। बिहार में एक शहर से दूसरे शहर तक जाने के लिए शुरू होगी हवाई सेवा। एक शहर से दूसरे शहर तक जाने के लिए सड़कों का जाल तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार में बखूबी बिछाया गया है, और अब एक शहर से दूसरे शहर तक जाने के लिए हवाई सेवा भी जल्द से जल्द शुरू की जानी है। हवाई अड्डा सलाहकार समिति की बैठक पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की तरफ से की गई थी, जिसमें ही कहा गया है कि पटना से दरभंगा गया के लिए फ्लाइट शुरू करने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने राज्य के अन्य शहरों को भी विमान सेवा से जोड़ने के प्रयास को तेज करने की बात कही है। यही नहीं, रविशंकर ने कहा है कि पटना हवाई अड्डे से दरभंगा गया और जमशेदपुर के लिए हवाई सेवा शुरू करने की आवश्यकता है। मुकेश सहनी को मंत्री पद पर रहने का अब हक नहीं। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने बीते दिन कहा है कि मुकेश सहनी को मंत्रिमंडल छोड़ देना चाहिए। मंत्री पद पर बने रहने का उन्हें कोई हक नहीं है, इसमें विलंब नहीं करना चाहिए। गिरिराज सिंह रविवार को मुजफ्फरपुर के तिलक मैदान रोड में एक उद्घाटन समारोह में पहुंचे थे। वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी की पार्टी का अब कोई अस्तित्व नहीं है। उनके साथ ही रहने या नहीं रहने से एनडीए को किसी तरह का फायदा या नुकसान नहीं होने वाला है। बोचहा विधानसभा उपचुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि वर्तमान उम्मीदवार बेबी कुमारी का बीते चुनाव में हम लोगों ने हक छीना है, अब उन्हें हक मिला है, हम सब मेहनत कर रहे हैं। अशोक चौधरी ने सीएम नीतीश पर हमले को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक अज्ञात युवक द्वारा निशाने पर लिया गया, जिसके तहत ही पटना के बख्तियारपुर में सीएम नीतीश की सुरक्षा में चूक देखने को मिली, जहां ही एक युवक ने पीछे से आकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मुक्का मार दिया। दरअसल मुख्यमंत्री बख्तियारपुर में स्वतंत्रता सेनानी पंडित शीलभद्र के मूर्ति पर माल्यार्पण कर रहे थे। इसी दौरान युवक ने पीछे से उन पर हमला कर दिया। इस घटना में मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि जो व्यक्ति दिन रात बिहार के विकास के लिए काम कर रहा है, 18 घंटे तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काम कर रहे हैं, उसके बाद इस तरह की घटना का होना लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। यह सुरक्षा में बड़ी चूक है। जिसने भी लापरवाही बरती है उसकी जांच कर कार्रवाई होनी चाहिए। आज होगा आईपीएल का चौथा मुकाबला।
आईपीएल में आज चौथा मुकाबला इस सीजन की दो नई टीम के बीच खेला जाएगा। गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला खेला जाना है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में यह मुकाबला खेला जाएगा। लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस अपना पहला मुकाबला खेलने के लिए तैयार है। दोनों टीम का यह डेब्यू मैच होगा। सुपर जायंट्स ने करिश्माई केएल राहुल के नेतृत्व में एक बेहतरीन टीम बनाई है। कुछ धाकड़ खिलाड़ियों के साथ ही सुपर जायंट्स अपनी टीम को आगे लेकर जाने का प्रयास करेगी। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है अंजलि राज, कल्याण चौधरी, निरंजन कुमार, रघुनाथ प्रसाद, रोहित कुमार, कविता कुमारी, गोनार शर्मा, शंकर मुखिया, नन्नू कुमार, भास्कर इनया, उमेश कुमार, सचिन कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में बेरोजगारी की समस्या से युवाओं को बाहर निकालने में बिहार सरकार सफल साबित हुई है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।